हाय फ्रेंड, आज हम लोग के पास एक यमा फेजर आ गया। यमा फेजर है, इसमें प्रॉब्लम हो गया और स्टार्ट नहीं होता है। जैसे पेट्रोल वेट्रोल डाला तो दो चार दिन होता चला, इसे बंद हो गया और स्टार्ट नहीं होता है। तो अभी सुबह का था, हम लोग का इधर बारिश भी हो रहा है और इधर बिजली भी नहीं है, तो देखते क्या होता है। छोटू इसका किक मारो, किक मारो, छोड़ दो छोड़ दो। तो फिर देखते सर, इसका बैटरी भी प्रॉब्लम है। पहले हम लोग तेल चेक कर लेते इसमें पेट्रोल है कि नहीं। तो फिर तेल ऑफ कर लेते हैं, जैसे तेल तक खुल ले। ये मेन हो गया, मेन में पेट्रोल नहीं है तो रिजर्व में आता है, ऊपर में रिजर्व होता है, रिजर्व में पेट्रोल आता है। तो क्या करते हैं, आपकी मशीन में तेल है, इसमें पेट्रोल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका वहाँ से देखते हैं क्या बात है। तो करें नहीं होता है, अभी क्या करेंगे इसका पालक चेक करेंगे। सबसे नंबर तो यही है, पहले बार फिर इसका कारण चेक कर लीजिए, कारण पता भी नहीं है। तो फिर इसमें कारण भी गायब हो गया, इसमें प्रॉब्लम करंट चला गया। सॉकेट लाते सॉकेट से खुल लेते ताकि जल्दी खुल जाए। तो फिर इसका प्लग में कार्बन भी आ गया, काफी सारे मोबाइल वोबल टकता है। तो फिर करंट आता है, जैसे इसमें करंट भी प्रॉब्लम है, नहीं फ्यूज में भी प्रॉब्लम हो गया। देखो फिर करंट आता है, देखो करंट आता है इसमें। तो अभी क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पलक का इसमें ढाल में ऑयल दे इसे, कंप्रेसर अगर कम रहेगा तो कंप्रेसर बन जाएगा इसमें। पल्सर वाला पलक डाल दीजिए, तो फिर ई पलक लगाएंगे, न्यू वाला पलक हो गया, चैंपियन चैंपियन का हो गया, न्यू वाला हो गया। पुराना वाला था एन जे के का होता है, एन जे के बहुत ही बढ़िया पलक है।
सेवन टाइट हो गया। हम क्या करेंगे, पहले इसे एक बार ठीक मार के देखते हैं। हो गया, ये देखें तो फिर इसका प्रॉब्लम था, कारण भी छोड़ दिया था। फिर जैसे यहाँ पे खुल जाता है, इसमें देखो ये अप एंड डाउन किया तो कारण आ गया, मतलब इसी का थोड़ा सा प्रॉब्लम था सर, कमरा भी कम था, इससे हो गया। तो फिर प्लग था, इसमें कार्बन आ गया, वो मोबाइल भी चलता है सर, तो इसे आपको खाना ही चाहिए। फिर एक बार इसका कर लेते तो फिर हल्का सा होता है, बैटरी डाउन हो गया इसका। तो फिर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।